हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली के तरह आपको फिर से इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आप जैसा कि जानते हैं कि साइंस के वीडियो में हम आज जो टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है वेट, और दूसरा हमारा टॉपिक है दोस्तों मास। दो टॉपिक का हम लोग डिस्कशन आज करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग लिफ्ट की चर्चा करेंगे, यानी लिफ्ट में कोई आदमी का वजन कैसा होता है। उसके लिए सबसे पहले जरूरत है वेट की, बात होती है तो वेट को हम लोग हिंदी में भार कहते हैं और मास को हम लोग हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। अब यहाँ से एक बात उत्पन्न होती है दोस्तों कि मास का अगर कोई यूनिट पूछेगा तो सीधा आप बोलोगे सर किलोग्राम होगा। अगर वेट का कोई यूनिट पूछेगा तो वेट बराबर फॉर्मूला होता है mg, यानी आप इसको कहोगे मास का केजी हो गया, एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लिख सकते हो kgms-2, या इसी को कोई आदमी क्या लिखता है सर न्यूटन लिखता है। क्लियर है। अब यहां पर बात होती है मास जो है, मास स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेट की बात आप करोगे तो वेट कैसी क्वांटिटी है दोस्तों? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है, यानी सदिश राशि के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्लियर है। ये हमारा था वेट और मास। वेट मास के बीच एक और बातें हैं, यदि आप चाहेंगे जानना तो देखिए। वेट जो है, वेट अगर प्लेनेट बदल जाएगा तो चेंज कर जाएगा, लेकिन मास प्लेनेट बदल भी दीजिएगा तो चेंज नहीं होता है, यानी ये अनचेंज रहता है। क्या रहता है सर? अनचेंज। और ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, क्योंकि प्लेनेट के जी पर ये निर्भर करता है। वेट जो है प्लेनेट के जी पर निर्भर करता है। अब इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं वेट का मतलब वाइफ याद रखिएगा और मास का मतलब माँ याद रखिएगा। गौर से समझिएगा, माँ किसी भी लोगों की एक ही हो सकती है, लेकिन वाइफ बदल सकती है, यानी वाइफ डिफरेंट हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के इतिहास में आप देख सकते हैं राजाओं महाराजाओं की बीवियां बहुत सारी होती थी, यानी बदलते रहते थे, लेकिन मां की बात यदि होगी तो मां सिर्फ एक ही होती है। यानी आप कह सकते हो कि मास कभी नहीं बदल सकता है। प्लेनेट आप बदल दो लेकिन मास नहीं बदल सकता है, लेकिन वेट में यदि आप प्लेनेट बदलोगे तो क्या होगा सर? बदल जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट में ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले लिफ्ट की जब बातें होती है तो आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। लिफ्ट में जब बॉडी नीचे आता है तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन माइनस ए होता है, और जब बॉडी ऊपर जाता है तो प्लस ए होता है। लेकिन ठीक यदि हम लोग चर्चा करें कि सर जी की बात, तो नीचे आओगे तो सर प्लस जी होता है, ऊपर जाओगे तो माइनस जी होता है। लेकिन ये जो हमारा एक्सेलरेशन है, ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। किसका एक्सेलरेशन है सर? लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, यानी जो आप लिफ्ट चढ़ते हो उसी का एक्सेलरेशन है। ये भी हमारा जो एक्सेलरेशन है, किसका एक्सेलरेशन है दोस्तों? लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। अब देखो, लिफ्ट के एक्सेलरेशन में जब बातें उठती है तो याद कीजिएगा, आपका लिफ्ट की जब बात करोगे तो इसमें जो वेट होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, mg+-a। अब देखो सर, प्लस कब होगा, माइनस कब होगा? देखिएगा, इसमें प्लस कब होता है? जब ऊपर जाएगा, यानी जब लिफ्ट का दो कंडीशन यहां बना, जब लिफ्ट क्या होगा सर, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी। क्या सच कहां जाएगी सर? ऊपर की ओर जाएगी, तब देखो कौन सा फॉर्मूला होगा हमारा। और जब लिफ्ट कहां हो जाएगी सर? नीचे की ओर जाएगी। गौर से समझिएगा इस बातों को, तो दोनों का फॉर्मेट चेंज कर जाएगा दोस्तों।
चेंज कर जाएगा। क्या चेंज करेगा, गौर से समझिएगा। मैंने बोला है जब ऊपर की ओर जाती है तो प्लस ए होता है, तो लिखिएगा ऊपर जाने में डब्ल्यू बराबर एम जी प्लस ए, ये तब लागू होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। लेकिन यहीं पर बात जब उठती है सर, गौर से समझिएगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी तो क्या होगा। देखिए जब नीचे की ओर आ रही है तो माइनस ए है, यानी डब्ल्यू बराबर एम जी माइनस ए। समझ में आ गया, क्लियर है। ये बातें आपको लिफ्ट के लिए जानना था। लिफ्ट के डिफरेंट कंडीशंस भी हैं, जैसे डिफरेंट कंडीशंस हैं कि जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती हो तो क्या करते हैं, जब लिफ्ट ए त्वरण से समान त्वरण से ऊपर जाता है तो क्या, जब ए त्वरण से नीचे आता है तो क्या होता है। इस बातों को समझने के लिए आपको आगे का कंडीशंस हम लिफ्ट पर पढ़ाने वाले हैं। देखिए हमारे पास कंडीशंस है दोस्तों, सबसे पहला कंडीशंस है जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाएगा तो क्या होने वाला है। जब देखिएगा, गौर से समझिएगा, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रहा है, जब समान वेग की बात होती है इसका मतलब वहां पर हमारा ए जीरो होता है, है ना, ए जीरो होता है। और अभी आप जानते हैं, अभी जस्ट आपने पढ़ा था, वी नो दैट, आप जानते हो सर, क्या जानते हैं, सो देखिएगा सर, आप जानते हैं W बराबर एम जी प्लस माइनस ए। गौर से फरमाइएगा, हमने अभी जस्ट बोला है अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस ए होगा, नीचे आएंगे माइनस ए होगा। ये किसके लिए होता है लागू, लिफ्ट के लिए। क्लियर है सर। अब देखो यहां पर प्लस होगा कि माइनस, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने में प्लस ए है, हमारा होगा एम जी प्लस ए। क्लियर है, माइनस नहीं हुआ, पता चल गया क्यों नहीं, क्योंकि ये कहां जा रहा, ऊपर जा रहा है। अब देखो ए का वैल्यू जीरो है, यहां रख दीजिए डब्ल्यू बराबर एम जी प्लस क्या, लड्डू। हमारा डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, एम जी आ गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि कोई तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, यानी ऊपर जाने से भार क्या रहा, अपरिवर्तित का मतलब है चेंज रहा, क्लियर, अनचेंज रहा, यानी वेट हमारा यहां पर कैसा रहा सर, अनचेंज रहा। क्लियर है सर। ये हमारा कब था, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाएगा। जब समान वेग है इसका मतलब ए क्या होगा सर, जीरो होगा। क्लियर है सब साथी, देख लीजिए हम इसके आपके कंडीशंस टू, ये पहला कंडीशंस लिफ्ट का था, हम दूसरा की ओर चलने वाले हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट में आइए सर। हमारे पास कंडीशंस आ गया जब लिफ्ट समान त्वरण से नीचे आएगा। देखो यहां पर बातें हैं, समान त्वरण जब भी बोला इसका मतलब ए इक्वल्स टू क्या है, जीरो हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। और अब आप जानते हो सर, क्या सर जानते हैं, W बराबर आप जानते हो एम जी प्लस माइनस ए। अब गौर से फरमाइएगा सर, क्या फरमाइएगा, नीचे आ रहा है, देखो नीचे आने में मैंने बोला था माइनस ए होगा, ऊपर जाने में प्लस ए होता है, यहां माइनस का प्रयोग होगा, W बराबर एम जी माइनस ए। क्लियर है, क्यों ऐसा हो रहा है माइनस, क्योंकि ये लिफ्ट जो है कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे में क्या होता है, माइनस से होता है। क्लियर है। अब देखो ए का वैल्यू यहां भी पुट कर दो, क्या हो जाएगा, W बराबर एम जी माइनस जीरो, तो हमारा हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा सर, एम जी हो जाएगा। यानी आप यहां भी कहोगे सर भार जो है अपरिवर्तित रहा, क्या रहा सर, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब वेट जो है अनचेंज्ड रहा। क्लियर है। ये हमारा टॉपिक था कंडीशन टू, जब लिफ्ट समान त्वरण से कहां आता है, नीचे आता है। आपने देखा समान त्वरण जब बोलेगा तो ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ए का मान क्या है, जीरो है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं सर, कंडीशन नंबर थर्ड। क्या बोला है, देखो जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाएगा, अब यहां पर एक्सेलरेशन का मान ए है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू है, हमने अभी पढ़ाया है ऊपर जब लिफ्ट जाता है तो आपका
प्लस ए होता है, जब नीचे लिफ्ट आता है तो माइनस ए होता है। आप जानते हो सर W बराबर एम जी प्लस माइनस ए। अब देखो यहां पर प्लस होगा कि माइनस होगा, देखिएगा गौर से, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने वाला प्लस ए होता है, यानी W बराबर क्या होगा एम जी प्लस ए, यानी यहां पर ए की कुछ न कुछ वैल्यू आ गई, यहां जीरो नहीं है, यहां ए की कुछ वैल्यू है, वैल्यू है यानी मान है, कुछ डेटा है, इसका मतलब क्या होगा बढ़ जाएगा। यहां आप कह सकते हो भार क्या होगा सर बढ़ेगा, भार क्या होगा बढ़ेगा, यानी आप कह सकते हैं वेट क्या करेगा सर इंक्रीज करेगा, क्या करेगा दोस्तों इंक्रीज करेगा। क्लियर है, ये हमारा था जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बातें हम लोग करते हैं सर। अब देखिए यहां पर गौर से समझिएगा, बोला है जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आएगा, यहां भी ए का वैल्यू दे दिया गया, यानी ए है आपका एक्सेलरेशन। अब देखो अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि जब नीचे आता है तो माइनस ए होता है, ऊपर जाता है तो प्लस ए होता है। वी नो दैट, आप जानते हो सर वेट बराबर एम जी प्लस माइनस ए। जो ही नीचे आ रहा है तो देखो नीचे आने में माइनस होता है, तो आप लिखोगे सर वेट बराबर एम जी माइनस ए, क्लियर है। अब देखो यहां पर जुट नहीं रहा, यहां घट रहा है, ए का वैल्यू जो है घट रहा है, घट रहा है, इसका मतलब बताओ भार क्या होगा सर, भार क्या होगा घटेगा, यानी आप कह सकते हो सर वेट जो है हमारा, वेट जो है हमारा क्या करेगा डिक्रीज करेगा। ये हमारा तब होगा जब लिफ्ट ए त्वरण से क्या आएगा नीचे आएगा। आप जानते हो कि नीचे आता है तो माइनस होता है, ऊपर जाता है तो प्लस होता है, ये लिफ्ट का स्पेशल कंडीशंस है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर पांचवा, देखिए कहा जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाएगा तो क्या होगा, गौर से समझिएगा सर। सबसे पहले आप जानते हो सर वेट बराबर एम जी, एम जी प्लस माइनस क्या ए। अब यहां क्या होता है गौर से समझिएगा, जब लिफ्ट का रस्सी ही टूट जाएगा तो यहां ए बराबर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, गौर से समझिएगा, यानी डब्लू बराबर एम जी क्या माइनस जी। माइनस क्यों लिए, क्योंकि जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाएगा तो बताइए क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आ जाएगा, नीचे में क्या पढ़ाया गया है, नीचे में माइनस ए होता है और ऊपर में प्लस ए होता है, हमारा जी जी जीरो हो जाएगा, यानी वेट बराबर एम और जीरो, यानी इस जगह पर हमें किसका महसूस करना पड़ता है, वेट लेस का महसूस होता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं भारहीनता बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर भारहीनता बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, क्लियर है। चलिए अब उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, क्वेश्चंस को समझिएगा। बोला क्या गया है, बोला है एक 50 केजी का व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर रखी वजन मापने वाली मशीन पर खड़ा है, यदि लिफ्ट इतना मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे तो मशीन द्वारा ज्ञात व्यक्ति का वजन क्या होगा। अब देखो लिफ्ट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने में हमने क्या बोला है माइनस से होगा, सॉरी प्लस से होगा, और नीचे आने में हमने क्या बोला है माइनस से होगा। आप जानते हो वेट बराबर फॉर्मूला होता है जी प्लस माइनस ए। अब देखो यहां पर प्लस होगा कि माइनस होगा, ऊपर जाता है तो ऊपर में क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस वाले को खत्म कीजिए, क्लियर है। अब देखो मास हमारा दिया गया है 50, जी का मान 10 मान लीजिए, जी का मान आप जानते हो दोस्तों, जी का मान आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या कोई कोई लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 का भी इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए आपका देखिए क्या है 2 दिया गया है, यानी लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है 2 है। अब देखो तो 50 ये 10 दो 12 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 12/6 न्यूटन होगा, यानी हमारा
आंसर होगा 600 न्यूटन। क्लियर है? इस बात को क्वेश्चन ये याद रहना चाहिए, लिफ्ट में फॉर्मूला यदि याद है तो आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो दोस्तों। क्लियर है? अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या बोला है? जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? अभी हमने बताया था जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो किसका अनुभव होता है? भारहीनता का, यानी आप कहते हो सर वेटलेस का अनुभव करते हैं। किसके अनुभव करते हैं? वेटलेस का। अभी हमने पढ़ाया भी था फॉर्मूला से, वेट बराबर जी माइनस ए। ए यहाँ पर किसके इक्वल हो जाता है? जी के इक्वल हो जाता है। तो हमारा डब्ल्यू बराबर एम जी माइनस जी, जी में से जी जाएगा, जीरो होगा, वेट बराबर एम इंटू जीरो, यानी हमारा कैसा कंडीशन आ गया? वेटलेस का कंडीशन आ गया है। ऑप्शन भार बढ़ेगा गलत बातें, भार घटेगा गलत बातें, भारहीनता का अनुभव होगा, है ना? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब लिफ्ट समान त्वरण से नीचे आएगा, देखो जब समान त्वरण की बात होगी तो ए का वैल्यू जीरो हो जाता है। नीचे की बात हो रही है, नीचे आने में हमारा माइनस ए होता है। आप जानते हो सर वेट बराबर एम जी क्या? माइनस ए। यहां पर आप कह सकते हो ए का वैल्यू क्या रख दोगे? जीरो रख दोगे। हमारा हो जाएगा एम जी, यानी क्या? वेट बराबर एम जी, यानी आप कहोगे कोई तरह का परिवर्तन नहीं आया, अपरिवर्तित रहा, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है? एम जी, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, वेट बराबर आप जानते हो एम जी, यानी एम जी का एम जी ही आया है। अपरिवर्तित रहेगा यानी समान रहेगा, कोई तरह का बदलाव नहीं आया है। ऑप्शन है बढ़ेगा घटेगा समान रहेगा इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला है भार का मात्रक निम्नलिखित में से क्या होगा? भार का मतलब वेट का मात्रक पूछ रहा है दोस्तों, है ना? वेट बराबर आप पढ़े हो mg, यानी मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हो kg ms माइनस 2। अब देखो इसको कोई कोई आदमी न्यूटन भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूटन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑल ऑफ दिस तीनों आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं सर। कहा लिफ्ट में किसी वस्तु का भार का व्यंजक क्या होगा? गौर समझिएगा, लिफ्ट में किसी वस्तु के भार का व्यंजक, व्यंजक का मतलब होता है फॉर्मूला क्या होगा? किसका फॉर्मूला पूछ रहा है? लिफ्ट के कंडीशन में वेट का। तो आपको अभी पढ़ाया गया है वेट बराबर एम जी प्लस माइनस ए। इसमें हमने बोला सर ये प्लस माइनस इसलिए लिया क्योंकि जब बॉडी ऊपर की ओर जाती है माइनस, सॉरी प्लस ए होता है जब बॉडी नीचे की ओर होती है माइनस। ये सिर्फ लिफ्ट का कंडीशन है दोस्तों, लिफ्ट का कंडीशन है, है ना? अब देखिए आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आज आपने मास, वेट और लिफ्ट के बारे में पढ़ा दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लोगों को शेयर भी करें और कमेंट भी करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।